तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने जो बाइक खड़ी है मेटियोर 350 न्यू कलर में और न्यू एडिशन के साथ आ चुकी है, मतलब E20 OBD2 कंप्लाइंट के साथ। तो बाइक का सारा कुछ डिटेल्स हम पहले इसका दे चुके हैं, बहुत सारा कुछ इसका मैंने स्पेसिफिकेशन, मतलब एक शोरूम ऑन रोड सारा कुछ। तो इसमें क्या खास होने वाला है न्यू मॉडल न्यू कलर एडिशन के साथ, सारा कुछ आज हम आपको डिटेल्स देने वाले हैं। और इसमें क्या ज़्यादा चेंजेस किया गया, तभी जो बाइक है ये फुल एसे सीरीज में कम्प्लीट लगा हुआ है, जहाँ पे देख सकते हैं इसका ग्रेवियल मतलब ग्रेव हैंडल सीट वगैरह सारा कुछ जो चेंज है, कंपनी फिटेड नहीं है, मतलब इसमें अलग से मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसमें अगर आपको चाहिए तो ये फुल आपको कम्प्लीटली क्या प्राइस पड़ने वाला सारा कुछ डिटेल्स हम आपको देने लेंगे। फ्रंट में अगर विंडशील्ड वगैरह देखा जाए तो देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका कंपनी फिटेड नहीं है और ये आपका एक शोरूम में नहीं आता, ये ऑन रोड प्राइस होने के बाद भी एसेसरीज का अलग से चार्ज आपको पे करना होगा। इसमें क्या क्या लगा हुआ सारा कुछ डिटेल्स आज आपको देने वाला और बताने वाला क्या इसका प्राइस पड़ने वाला है और बाकी में क्या खास है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसका सबसे पहले फर्स्ट लुक फ्रंट से। तो सबसे पहले फ्रंट में देखेंगे तो ये जो विंडशील्ड आप देख रहे हैं ये आपका एसेसरीज में आता है, ये आपको कंपनी फिटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपको अलग से चार्ज पे करना होगा, इसके बाद आप इसको परचेज कर सकते हैं। आप आपको कोई भी रॉयल एनफील्ड का बाइक है बहुत सारा का एसेसरीज यहाँ पे अलग से आपको मिल जाएगा, आके विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ दिया हुआ है। फ्रंट लाइट वगैरह हेडलाइट अगर देखा जाए तो LED में मिलेगा लो बीम हाई बीम के साथ, यहाँ पे जो क्रोम फिनिशिंग के साथ दिया गया। बाकी फ्रंट सस्पेंशन का बात करें तो देख सकते हो उसके पहले इंडिकेटर की लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ एक छोटा स्टैंडर्ड साइज में देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट सस्पेंशन का बात करें तो वो जाता है आपका टेलीस्कोपिक फोर्क जो काफ़ी हेवी में दिया गया है, मतलब देखा जाए टेलीस्कोपिक फोर्क में बहुत सारा सस्पेंशन आता है लेकिन इसका कुछ अलग है, जिसका मतलब अगर देखा जाए ना परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन होता है। ये जो है डुअल चैनल EBS में आता है, डुअल डिस्क ब्रेक में, फ्रंट एंट्री और फ्रंट में आपको डुअल पिस्टन कैलिपर में देखने के लिए मिलेगा, ये देख सकते हैं डुअल पिस्टन वाइब्रेक का, जिसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन होता है और ब्रेकिंग बहुत तगड़ा होता है, मतलब ब्रेकिंग अगर आप हाई स्पीड भी चल रहे तो कंट्रोलिंग अच्छा खासा आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये डिस्प्ले का साइज काफी बड़ा साइज में दिया गया है, देख सकते हैं ये हो जाता है EBS चैनल EBS सेंसर का यहाँ पे लगा हुआ है, ये रिम में आ रहा है इसका देख सकते हैं, जिसका साइज 100, 90 और 19 इंच स्पोक रिम के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट मडगार्ड का बात करें तो ये देख सकते हैं प्लास्टिक फाइबर में दिया किया गया और ये जो कलर है डुअल टोन कलर में देखने के लिए मिलेगा, एक ये स्काई ब्लू कह सकते हैं तो व्हाइट, ठीक है, ये सारा कुछ देख ही सकते हैं। लुक वाइज अगर देखा जाए तो आपको कमेंट सेक्शन करके बताना कमेंट में जाके कि आपको ये लुक वाइज कैसी लगती है, ये कलर एडिशन आपको कैसा लग रहा है। बाकी लेफ्ट में आ जाए तो टैंक पे यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का मैचिंग कुछ इस तरह का हैंडल बार पे क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मैचिंग किया गया, मिरर वगैरह देख सकते हैं काफी कमाल का दिया गया क्रोम फिनिशिंग में, ठीक है। नीचे की ओर आ जाए देख सकते हैं लेग गार्ड जो कंपनी फिटेड नहीं है, ये भी विथ एसेसरीज आता है जो आपका रॉयल इनफील्ड का है, ये देख सकते हैं। इधर आ जाइए पैनल पे तो पैनल पे मेटियोर 350 लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। नीचे आ जाइए इंजन तो इंजन देख सकते हैं काफी बड़ा साइज में 350 cc का मिल जाता है, मतलब इंजन ऑलमोस्ट देखा जाए तो इंजन सबका सबका सेम ही होता है 350 सेगमेंट में जितना सारा है। गियर आप देख सकते हैं दिया गया है, ठीक है, लेकिन फुटरेस्ट इसका आगे किया गया क्लासिक से थोड़ा हटके है, थोड़ा सा आगे साइड स्टैंड में ऑटो कट ऑफ का स्विच मिलेगा, देख सकते हैं डबल स्टैंड पे बाइक लगी हुई है। फुटरेस्ट देख सकते हैं ऑटोमेटिक फोल्डेबल आएगा, नीचे आपका ये मैनुअल फोल्ड आएगा, अगर आप नहीं चाहिए तो बिंदास को फोल्ड करके रख सकते हैं। बाकी लेडीज़ को फुटरेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सीट देख सकते हैं स्पीड सीट में, लेकिन ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये भी चेंजेज है, ये आपका अलग से सीट यहाँ पे लगा हुआ है, कंपनी फिटेड चाहिए तो भी मिल जाएगा, लेकिन ये अगर यही सीट में चाहिए कंफर्टेबल में तो आपको अलग से चार्ज पे करना होगा। सारा कुछ इंक्लूड करके हम आपको लास्ट में प्राइस आपको बता देंगे। बाकी ये हो जाता है आपको क्लच लीवर देख सकते हैं, पासिंग का स्विच, लो बीम हाई बीम सारा कुछ, ठीक है, ये इधर लेफ्ट राइट इंडिकेटर, इधर हॉर्न का स्विच, इधर इंजन स्टार्ट करने के लिए ऑफ करने के लिए हजार्ड लाइट का बटन, जाता है आपका क्यू, क्यों आपको कुछ इस तरह का मिलने वाला है देख सकते हैं E20 OBD2 कंप्लाइंट के, जिसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। लगाने के बाद करेंगे वन, करने के बाद क्लस्टर पे देख सकते हैं बहुत सारा कुछ दिया गया, सर्विस का वायरनिंग, ट्राइट इंडिकेटर, लो फ्यूल, लो बैटरी का, ABS का लाइटिंग, न्यूट्रल का लाइटिंग, ये देख सकते हैं आपका फोन वगैरह कनेक्ट करने के लिए बिल्ड विथ गूगल सारा कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लोकेशन वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर, गियर शिफ्टिंग, कौन सा गियर पे बाइक आपकी रन कर रही है, ट्रिप वगैरह कुछ यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं। सर्विस का फिर यहाँ पे लाइटिंग मिल जाएगा, ठीक है, ये सारा कुछ हो जाता है आपका क्लस्टर पे अगर देखा जाए तो। बाकी यहीं से पीछे साइड आ जाए तो देख सकते हैं ये हो जाता है आपका फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए, फ्यूलिंग व्यूलिंग करवाने के लिए, ठीक है, स्प्लिट सीट, बाकी ग्रेवियल कुछ इस तरह का ग्रेव हैंडल, बैक साइड से देखा जाए तो ये देख सकते हैं बैकलाइट क्रोम फिनिशिंग के साथ सारा कुछ इसमें देख सकते हैं। क्रोम फिनिशिंग का कलर कॉम्बिनेशन से अगर देखा जाए तो कमाल का लुक ये दे रही है बाइक। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट का लाइटिंग, यहाँ पे रिफ्लेक्टर सारा कुछ दिया गया है। अब लेफ्ट साइड से देखा जाए तो वाइब्रेक का सिंगल पिस्टन कैलिपर में ये देख सकते हैं, सिंगल पिस्टन कैलिपर में दिया गया है ब्रेकिंग सिस्टम, ये हो जाता है EBS चैनल सेंसर, यहाँ पे देख सकते हैं C8 का टायर 140/70/17 इंच स्पोक रिम के साथ, मतलब 140/70/17 इंच स्पोक रिम के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब रियर का आपका 17 इंच और फ्रंट का आपका 19 इंच, ठीक है,
एक क्लासिक है जिसमें आपका 90 और रियर का 18, लेकिन यहाँ पे 17। मतलब ये लुक वाइज थोड़ा क्रूजर टाइप का है, मतलब आगे से थोड़ा हाइट है, पीछे से हल्का डाउन है, मतलब लॉन्ग राइड के लिए एक नंबर परफेक्ट बाइक है। बिंदास आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, सबसे खास बात है अगर आपको चाहिए तो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। बाकी इधर से देखा जाए तो ये हो गया ब्रेक पेडल वगैरह सारा कुछ, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का कंफर्टेबल दिया गया है। अब हम देखेंगे इसका इंजन से क्या खास है, इंजन में क्या खास है और क्या इसका पावर है, क्या माइलेज है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, सारा कुछ। तो हम बात कर लेते हैं इसका इंजन से रिलेटेड। तो इसमें मिल जाता है आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड के साथ। यहाँ पे अगर मैक्सिमम पावर का बात करें तो 20 PS का मैक्सिमम पावर 27 Nm टॉर्क के साथ आपको मिलने वाला। फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखा जाए तो 15 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो काफ़ी बड़ा साइज में है। आप समझ सकते हैं 15 लीटर है तो काफ़ी बड़ा साइज में ही है, तभी हम आपको बता रहे हैं। बाकी अब हम माइलेज का बात करें, उसके पहले बता दें फ्यूल डिलीवरी सिस्टम जो होता था FI, जिसको बोला जाता फ्यूल इंजेक्टर, उसके पहले एक चीज़ छूट गया गियर ट्रांसमिशन, तो 5th गियर का ऑप्शन मिलेगा, पहला डाउन शिफ्ट बाकी 4th अप शिफ्ट। अब हम जाते हैं माइलेज से रिलेटेड, तो कंपनी कलम करती 35 का माइलेज। अब वो चीज़ सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप राइड कर रहे हैं। अगर आप सिटी पे चल रहे हैं, ट्रैफिक में चल रहे हैं, रुकना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको अच्छा खासा माइलेज नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब हाईवे पे चल रहे हैं, इकोनॉमी मोड पे, मतलब 45-50 का स्पीड में, तो आपको अच्छा खासा माइलेज आपको मिल जाएगा। कंपनी कलम करती 35 का माइलेज। लेकिन मेरे हिसाब से दिखा जाए इतना माइलेज इजीली आपको मिल जाना चाहिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप राइड करें, कितने लोग बैठे हैं। अब मान ली बहुत लोग होते हैं कि ऐसे जी घर तरफ ले लेते हैं कि ऐसे घूमने के लिए 3-4 लोग बैठ के अगर माइलेज बताओगे, तो ऐसे नहीं होता है। बाइक 2 लोग के लिए होता है, 2 सीटर होता है, दोनों को मतलब हेलमेट पहन के यूज करना है, सेफ्टी फर्स्ट है, ठीक है, सारा कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अब जाते हैं उसका प्राइस रिलेटेड, एक शोरूम और ऑन रोड। उसके पहले बता देना कि आपको कमेंट सेक्शन में कि आपको बाइक आपको लुक वाइज कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताना है, और बाइक में और ज़्यादा क्या चेंज होना चाहिए वो भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कलर, बहुत सारा वेरियंट, बहुत सारा कुछ आता है, आपको अगर ये नहीं पसंद है तो कोई और भी कलर एडिशन में जा सकते हैं, पहले भी रिव्यू इसका कर चुके हैं। बाकी बाइक का अगर फुल वेट अगर देखा जाए तो 191 kg, मतलब एक क्विंटल 91 kg का फुल वेट है विदाउट फ्यूल, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका प्राइस, तो हम बात कर लेते हैं इसका प्राइस रिलेटेड। तो इसका एक शोरूम प्राइस यहाँ पे पड़ जाता है इस मॉडल का, जिस मॉडल पे भी हम बैठे, लेकिन ये एसेसरीज को छोड़ के, एसेसरीज जो भी लगा हुआ है ये आपका कंपनी फिटेड नहीं, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो प्राइस पड़ जाता है ये आपको हो जाता है 2,19,900, मतलब 2,19,900 रुपये एक शोरूम प्राइस, और ऑन रोड 2,52,445, मतलब 2,52,445 रुपीज़, ठीक है, ऑन रोड। बाकी ये एसेसरीज वगैरह जो भी सारा कुछ देख रहे हैं, ये फुटरे, ये जो देख रहे हैं लेगार्ड वगैरह सारा कुछ, ये आपका कंपनी फिटेड में नहीं आता, इसका आपको अलग से चार्ज पे करना होगा। बाकी आपको अच्छा लग रहा है तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2-2.5 लाख रुपया बाइक में लगा रहे हैं तो 10-5 हज़ार और आप अच्छे से इन्वेस्ट करके, आप अच्छा से लुक लेके आप बाइक को रख सकते हैं, क्योंकि बाइक लवर का बात ही अलग होता है, ठीक है। शोरूम का डिटेल श्रीराम कॉमर्शियल, कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाइक से रिलेटेड कुछ भी रिव्यू अगर छूटता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना है, कन्फर्म है कि हम लेके आएंगे, ठीक है। कुछ भी जानकारी छूटता है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, जाके यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं हमको, यहाँ पे भी DM कर सकते हैं कुछ भी छूटता है। तो कार से रिलेटेड रिव्यू देखने के लिए यहाँ पे RTS टिंकू वाहन चैनल का नाम आ रहा होगा, कार से रिलेटेड वहाँ भी देख सकते हैं। बाइक से, कार से, हर एक चीज़ से रिलेटेड हम रिव्यू लेके आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का रिव्यू खत्म करते हैं मेटियोर 350 न्यू कलर एडिशन के साथ, मिलते हैं फिर से न्यू रिव्यू में। एक किसी का कमेंट आया हुआ था कि भाई इस मतलब ये कलर का, बहुत लोग हमको सेंड किए थे, इंस्टा पे भी DM कर रहे थे कि ये कलर का रिव्यू चाहिए, इसलिए लेके आ गए। आपको भी कोई अदर बाइक का चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, कन्फर्म है कि हम लेके आएंगे। चलिए आज का रिव्यू खत्म करते हैं मेटियोर 350 के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।